हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फैक्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप मिंगवाल। दोस्तों, हम सभी को कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या अपनी कोई फोटोग्राफ्स। मगर जब कभी भी आप ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम सामने आती है, और वो होती है दोस्तों फाइल साइज या साइज ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड कर रहे हो। क्योंकि जिस साइट पर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो वहाँ पर आपने देखा होगा कि फाइल या फोटो का साइज मैक्सिमम कितना होना चाहिए वहाँ पे लिखा रहता है, जैसे 500 KB, 200 KB, 250 KB और वगैरह वगैरह। अगर इससे ज़्यादा वो आपका जो फाइल आप अपलोड कर रहे हो तो आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होगा, वहाँ पे इरर दिखाएगा, क्योंकि आपका फाइल का साइज सामने लिखा हुआ जो साइज है उससे ज़्यादा है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स या फ़ोटो का साइज कम कर सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं फ़ोटो के साइज को, और आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ सीधे प्ले स्टोर में। तो ये है दोस्तों वो एप्लीकेशन जिसका नाम है पूमा इमेज कंप्रेसर एंड इमेज रिसाइजर KB to MB एंड MB to KB। जैसे कि इस ऐप के नाम में इसका सब कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। इसके रिव्यू देखिए आप, बहुत अच्छे रिव्यू हैं, डाउनलोड्स भी 1 मिलियन के ऊपर हैं। आप इसको डाउनलोड करिए, सिंपल है, और इसको कैसे चलाना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे थोड़ा ऐड चलेंगे, कोई नहीं। तो कैसे इस ऐप को यूज करना है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ये देखो, आप ये सीधे आपके गैलरी में लेके गए आपको, आप कोई भी फ़ोटो चूज करिए। सपोज मेरा ये फ़ोटो, आपको जो फर्स्ट फ़ोटो यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। ये देखो, इस फ़ोटो का साइज आप देख रहे हो दोस्तों 51 KB है, 51 KB की ये फ़ोटो है, और मुझे इसको स्मॉल करना है। ओके, मेक इट स्मॉलर पे आपने क्लिक करना है। जैसे जो फ़ोटो आपको चाहिए उसको मेक इट स्मॉलर पे क्लिक करिए और आगे बढ़ते जाइए। फाइल साइज यहाँ पे 500 KB है, जैसे रिजोल्यूशन कितना चाहिए अभी आप कुछ नहीं, आपको मेक इट स्मॉलर करना है, हमको छोटा करना है फ़ोटो। नेक्स्ट पे क्लिक करिए आप। आपने जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया, अभी आपको पूछेगा साइज, रेशियो, क्वालिटी, ये सब आपको पूछा। आप नेक्स्ट करते जाइए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आया है, 51 KB की फ़ोटो 19 KB में आ चुकी है दोस्तों, ठीक है। ये आपने देखा होगा 51 KB की फ़ोटो 19 KB की हो चुकी है। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, ये देखो, ये पहले का फ़ोटो है ओरिजिनल नीचे वाला, और ये ऊपर वाला अभी का फ़ोटो है। तो इस तरह से आप अपनी फ़ोटो का साइज कंप्रेस कर सकते हैं, इसको आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं। चलिए एक दूसरा आपको दिखाता हूं मैं। आपको अगर सेव करनी है तो सेव कर सकते हो, हमको ये सेव नहीं करनी है, हम वापस आएंगे। तो ये नहीं कहिए, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे किसी डॉक्यूमेंट्स का साइज यहाँ पे कम करना है। मैं एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए इस डॉक्यूमेंट्स का साइज है दोस्तों 422 KB। आप देख सकते हैं वन फोटो 422 KB, ठीक है। अब मैंने इसका साइज रिड्यूस करना है और इसकी क्वालिटी, रिजोल्यूशन, क्वालिटी, ये सब रिड्यूस करनी है। देखिए इसका यहाँ पे दिखाया गया है कि कितना कितना ये है, आप इसको डाउनलोड करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए 422 से दोस्तों ये आ गई है 92 KB पे। आपने देखा 331 KB इस फोटो में हमने सेव किया है, आप कंपेयर कर सकते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये देखिए, ये पहले की फ़ोटो है, ये फर्स्ट वाली जो नीचे है, फाइल साइज 422 KB, और ये अभी की फ़ोटो है, फाइल साइज 92 KB ओनली। तो देखिए कितना इजीली आपने फ़ोटो का साइज आपने रिड्यूस किया है,
ठीक है। अच्छा, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। इस ऐप को आप डाउनलोड करिए और अपने काम को ईजी बनाइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल।